चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कारनामे दिखलाए जाते हैं सर्कस के अंदर में, चाइनीज जापानी जोकरों की हंसी मजाक, देश विदेश के कलाकारों की कलाकारी, रिंगल सावन का झूला। आज के शो में दिखाएंगे 56 छुरी की निशानेबाजी। आज के शो में देखोगे दोस्तों जूनियर सिख चिल्ली। आज के शो में हंसा हंसा कर लोट पोट कर देने वाला प्रोग्राम दिखलाएंगे मुगल जमाने का इतिहास। जाओ देख कर आइए दोस्तों, माताएं बहनों के बैठने के लिए लेडीज क्लास बिल्कुल अलग है सर्कस के अंदर में, यानी कि माताएं बहनें बिल्कुल अलग बैठा करती है, भैया बाबू बिल्कुल अलग बैठा करती है। ऐसा खेल ऐसा प्रोग्राम लेकर है आपके कहानी में बिल्कुल पहली बार और बिल्कुल पहली मरतबा। बस मेला लाइन देखी थी तब जाना था, जाना है फिर आ गए थे। हाँ प्रैक्टिस करते हैं, पापा हमें सिखाते अच्छे से, बेटा ये करो वो करो तुम ये करो। जैसे अगर इधर उधर ध्यान हमारा चला जाएगा किसी और चीज़ों पे तो उसमें गिरने का खतरा हमारा, गिर जाओगे तो ऊपर से नीचे गिरोगे तो हाथ पैर ही टूटेंगे। और पहली बार तो मैं गिर चुकी हूँ तो मुझे कोई वो नहीं है, अल्लाह की दुआ से बच गई हूँ। में कहते भी होंगे कि लड़कियों से काम करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, ऐसा कुछ बातें होती है? जो कहते वो खाना थोड़ी पूरा कर देते हैं हमारा। इंसान पेट के लिए कमाता है, अच्छा हो या बुरा हो सब पेट के लिए इंसान कमाता है। पब्लिक सामने आती है पर ये तो काम हमारा होता है तो हमें करना पड़ता है। पब्लिक कुछ भी बोले, इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते हमारा काम। हाँ जैसे कुछ कमेंट आते हैं तो उसे हम मारते बोलते। सामान जो भी कुछ कहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी बस जैसे कमाना है तब कोई गड्ढा खोद के कमाता, कोई बुरा काम करके कमाता, हम तो इज्जत से कमा रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे यहाँ 2-2.5 साल हो गए हैं सर्कस में काम करते हुए। मेरे हस्बैंड ठेकेदार हैं, जगह का ठेकेदार लेते हैं और बस परमिशन निकलवा के मेला लगवाते हैं। बचपन से ही बहुत ज़्यादा मन था, मेरा स्कूल जब होता था ना 26 जनवरी जब मैं फंक्शन लेती थी
मेरी 500 रुपये पेमेंट है और जो मुझे इनाम मिलता है वो मेरा पूरा इनाम है। आप ही रखते हो या हस्बैंड को? नहीं, मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। तो अभी फैमिली सब खुश है आपके फैसले? जी, बस पापा नाराज़ हैं, पापा की नाराज़गी वजह से घर बहुत कम जाती हूँ मम्मी से मिलने के लिए। बस जिस दिन पापा मान जाएंगे उस दिन घर आना जाना मिल जाएगा। कब से आप काम कर रहे हैं? बहुत टाइम से, 10 साल की उम्र से। 1 साल के 12 महीने मेले में ही रहते हम, मम्मी पापा ख़त्म हो गए थे जब से मिले। कभी पढ़ने का मन नहीं किया आपको जब थे उस दिन? किया ना, जब मैं बड़ी मैं हूँ ना, घर में 2 बहन भाई और थे छोटे, भाई को पढ़ा दिया, बहन रह गई। तो भाइयों में मैं बड़ी हूँ, बहनों में छोटी हूँ, तो यही सर्कस का काम करते हैं और इसी से कमाते हैं। मेरे हस्बैंड भी वो उसका गाड़ी का काम होता है, ईंटे ईंटे का मजदूरी वो करते हैं। साल में देखो जब मेले चालू होते हैं तो हो जाते हैं, नहीं तो बंद पड़े रहते। तो क्या, जैसे लॉकडाउन हो गया या कुछ बात हो गई, ये बंद हो गया, मेले वगैरह सब बंद हो गए हैं, तो किसी का घर घर जाके झाड़ू बर्तन पोछा करना पड़ता है। इसमें मन लगता है, बचपन से करते तो इसमें मन लगता है।